कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और तीसरे स्थान पर नृत्य लेकर हरियाणवी नृत्य लेकर ये छात्राएं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी और हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर अनिल जैन जी, फरीदाबाद से विधायक भाई पुलगुवेल जी, बल्लभगढ़ से विधायक भाई मूर्ति शर्मा जी, बड़कल से विधायिका बहन सीमा त्रिखा जी, मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार भाई दीपक मंगला जी, आदरणीय रतनलाल गुप्ता जी, संस्था के अध्यक्ष भाई देवेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अजय गौड़ जी, पूर्व अध्यक्ष भाई गोपाल शर्मा जी और आज के समारोह में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों और प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार साथियों, आज मुझे अग्रवाल कॉलेज बल्लमगढ़ के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में आकर बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। जब मैं किसी कॉलेज के वार्षिक समारोह में शामिल होता हूं, तो युवाओं के फूलों की तरह खिले चेहरे देखकर दिलो दिमाग
ताजा हो जाता है और मन को नई स्फूर्ति और ऊर्जा मिलती है और अपने कॉलेज का समय भी याद आ जाता है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद में, यह समारोह युवाओं के लिए उमंग और उल्लास का अवसर तो है ही, इनके माता पिता और अध्यापकों के लिए ही के लिए भी किसी उत्सव से कम नहीं है। जिन युवाओं को पुरस्कार मिलते हैं उनमें आगे बढ़ने की भावना और मजबूत होती है और जिन्हें नहीं मिल पाता उनमें भी मेहनत से और अधिक पढ़ाई करने की भावना पैदा होती है। इस मौके पर मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। शिक्षा किसी भी स्वस्थ समाज की बुनियाद होती है। आज के युग में शिक्षण संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि नौजवानों को समय की जरूरतों के मुताबिक शिक्षा देने का काम करें। 21वीं सदी में हमारी युवा पीढ़ी को तरक्की की होड़ में हिस्सा लेना है। हमारी युवा पीढ़ी में काम करने की अपार क्षमता छिपी हुई है। हमें अपनी युवा पीढ़ी में एक ऐसा आत्मविश्वास जगाना है जिससे वो प्रगति की दौड़ में आगे निकल सके। अब आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जो बड़ी तेजी से बदल रही है। इस बदल रही दुनिया में उन बच्चों के लिए अनेक अवसर हैं जो परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। असल में इस परिवर्तनशील दुनिया में वही सफल होंगे जो भावी परिवर्तन को महसूस करने के योग्य होंगे। आप जीवन में 3D यानी कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के मूल मंत्र को अपनाएं। आज जब समाज में इन मानवीय गुणों का अभाव देखता हूं, तो कुछ क्षणों के लिए मन में निराशा के भाव आते हैं, लेकिन शीघ्र ही इन पर काबू भी पा लेता हूं। मुझे विश्वास है कि भारत का युवा वर्ग बड़ा समझदार है। वे आधुनिक परिवेश में रहते हुए भी अपने उन गौरवशाली परंपराओं और नैतिक मूल्यों के महत्व को भी नहीं भूलेंगे जिनके लिए भारतीय संस्कृति की दुनिया में अलग पहचान है। मित्रों, अलग अलग देशों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जहां अमेरिका के आर्थिक विकास में सड़क और रेलतंत्र की, ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग की, डेनमार्क में दूध और दुग्ध उत्पादन की तथा मध्य पूर्व में तेल की एक बड़ी भूमिका है, हमारी सबसे बड़ी ताकत बौद्धिक संपदा है। भारत की बौद्धिक संपदा का लोहा पहले भी माना जाता रहा है। प्राचीन समय में भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु होने का गौरव प्राप्त था। आज भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में भारतीय बौद्धिक संपदा यानी कि इंडियन टैलेंट की विश्व भर में मांग है। हमें ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। सौभाग्य से इस भव्य भारत के एक नौजवान भारत है। हमारे पास असीम शक्ति है, लेकिन नौजवान भारत को कुशल भारत में बदलने की हमारे सामने चुनौती है। यह दायित्व देश के विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों पर अधिक है। आज हमारे समाज में दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, नारी उत्पीड़न जैसी बुराइयां हैं। हम 21वीं सदी की बात करते हैं, लेकिन विचार 17वीं शताब्दी के हैं। इसलिए जरूरी है कि वैचारिक परिवर्तन के भी प्रयास होने चाहिए। आपका शिक्षित होना तभी अर्थपूर्ण होगा जब आप साहस से इन बुराइयों का विरोध करेंगे। मैं जानता हूँ कि इन बुराइयों की जड़ें गहरी हैं, परंतु शिक्षा ने जो चेतना आप में जगाई है, जो साहस आप में भरा है, जो आत्मविश्वास जगाया है, उससे समाज में पनप रही बुराइयों को समाप्त करने में अपना रचनात्मक योगदान दें। इस अवसर पर मैं नौजवान साथियों को कहना चाहूँगा, भूमंडलीकरण के इस दौर में सभी क्षेत्रों में कंपटीशन बढ़ा है, इसलिए आपका ध्यान अध्ययन के प्रति पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिता के में केवल वही ठहर सकता है जो बाहर भीतर से मजबूत और ठोस है। शिक्षा ही हमें यह मजबूती देती है। मेहनत करें, साहसी बनें, अनुशासन में रहें तो सफलता सदा आपके कदम चूमेगी। मैं एक बार इस महाविद्यालय के अध्यक्ष को, यहाँ के सभी अध्यापकों को मैं बधाई देना चाहूँगा। अभी दो प्रोग्राम मैंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा अभी हरियाणवी संस्कृति का प्रतीक हमारी इस ब्रजभूमि का जो लोकगीत जो होली का यहाँ पर मंचन किया गया, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ के बच्चों ने किया है। इसके लिए मैं कॉलेज के मैनेजमेंट को और भाई देवेंद्र जी को, यहाँ के प्रिंसिपल साहब को बधाई देता हूँ।
क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सबसे बड़ा सपना है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसका जो पीड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो जागरण का काम इस देश में किया है, उसमें आप इस रंगमंच के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से आप आने वाली पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं। इसके लिए मैं कॉलेज को बधाई देता हूँ और इसके साथ साथ मैं आप सबको और महाविद्यालय के उज्ज्वल भविष्य के लिए और यहाँ के छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रभु से कामना करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 51,000 रुपये अपने आपने हमें जो अमूल्य समय दिया है, कॉलेज प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अन्य गणमान्य सदस्यों के साथ मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता के राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। निश्चित रूप से आप एक अच्छी सोच के साथ देश और राज्य को आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत है वो नृत्य के लिए प्रस्तुत है और माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। Oh.